So, hey guys, मैं हूं आर्मन, आप देख रहे हैं आर्मन क्यूबिंग। आज के वीडियो में सीखने वाले कि आप इस 24 स्नेक क्यूब में फ्रेमिंग को कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी करके स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, पहले हम लोग को क्या करना है, जो कि 1 और 2 पीस है, मतलब कि पिंक और वाइट वाला, इसको 2 टाइम्स घुमाना है, 1 2। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं हेड बन जाएगा। फिर जो आपका ग्रीन है, ये ग्रीन है, उसको 1 बार और 2 बार ऐसे घुमा देना है। फिर जो हम लोग को ब्लू बच रहा है, उसको थोड़ा हम लोग ऊपर साइड कर देंगे। फिर जो पिंक है दिख रहा है, इसको नीचे साइड कर देंगे। फिर जो वाइट है, वाइट को ऊपर की साइड, फिर रेड को ऊपर की साइड कुछ। फिर हम लोग को बॉल बॉल शेप जैसे बनाना है, जैसे बॉल बनता है वैसे ही हो रहा है। इसमें भी इसमें ब्लू और ब्लू से जोड़ना है। इसके पास रहेगा ब्लू को, फिर ब्लू को नीचे किए, फिर इससे ब्लू को जोड़ दिए। फिर आपको बॉल जैसे ही लेटा हुआ ऐसे करके इसको भी लेटा देना है आपको ऐसे। फिर आपको रेड और रेड को मिलाना है। फिर कैसे करेंगे, इसको रेड को रेड के पास ले गए। फिर जो रेड है, इसको रेड ऐसे कर दिए, फिर रेड को ऐसे जोड़ दिए। फिर जो हम लोग को बच रहा है, जैसे हम लोगों ने ये सब लेटाया है, इसको भी ऐसे करके लेटा देंगे। फिर हम लोग को ब्लू बच रहा है, ब्लू वाइट को 1 और 2 बार घुमा देंगे। फिर हम लोग का वाइट है, वाइट को भी 1 और 2 बार घुमा देंगे। फिर हम लोग का इसका पाँव बनाने के लिए जो 1 2 3 4 5 वाला है, इसको 1 बार ऐसे करके टर्न कर देंगे 2 बार। गाइस, हम लोग का फ्रेमिंगो बन जाएगा। अगर आपको ऐसी और भी नई चीज़ें सीखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ही और नई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।